और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। यहां उत्तर प्रदेश में साथियों, 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था, संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था, वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था। भाइयों, ये जो भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे होंगे आपके क्षेत्र में, कोई बचा के सब आ गए? आज तो आखिरी दिन है, अब तो नहीं आ रहा होगा कोई। कमाल के बीजेपी के लोग हैं, कमाल के बीजेपी के लोग हैं। ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो देश चलाने का दावा कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जनता के बीच में उनके खिलाफ 440 का वोल्ट का करंट चल रहा है। और आपने देखा नहीं उनकी भाषा कैसी हो गई है, भाषा कैसी बदल गई जब से जनता ने इनकी खटिया की है खड़ी, तब से इनके स्टेटमेंट हो गए घटिया के, नहीं बताओ आप। जब से जनता ने इनकी खड़ी की घटिया, तब से इनके बयान हो गए सब घटिया। इनके बयान सुने कि नहीं सुने, कितने घटिया बयान दे रहे हैं। और इन नेताओं को सुनना आप, इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ऊंचा हार की जनता बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और अब तो इन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी।